19 जुलाई की रात को रानीवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के रानीवाड़ा खुर्द गांव में एक बुजुर्ग महिला की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद में रानीवाड़ा की पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। मेरे साथ में रानीवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा है। सर, किस तरह से आपने पूरी वारदात का पर्दाफाश किया? इसमें 19 तारीख की दरमियानी रात की घटना है। भील समाज की लेडी है, लक्ष्मी वाइफ ऑफ नागजी है, और लगभग 80 साल की उसकी एज है। वो अकेली रहती है, उसकी बच्ची है, उसका ससुराल जालेरा खुर्द में है, और उसका जमाई है। वो यदा कदा आता रहता है 4-5 दिन में उसको देखने के लिए, और वो घर पर रहते हुए छोटे मोटे गुटखा है, बीड़ी है, ये शक्कर वक्कर ये बेचती रहती है वहाँ के आसपास, क्योंकि वहाँ भील बस्ती है साईं जी के बेरी के पीछे, जिसमें करीब 50-60 परिवार रहते हैं। उन परिवार के लोग लगभग छोटी मोटी खरीदारी उसी से कर लेते हैं, तो वो जमाई उनको सामग्री दिला दिया करता है, जिससे कि उसका गुजारा निकल जाता है। 19 दरमियाने की रात की बात है, वहाँ पर ये दशा माता का व्रत करते हैं भील समाज के लोग, तो वहाँ उनके कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर दो लड़के और थे जो शायद शराब पी के आए हुए थे। फिर बाद में उन्होंने गुटखा खाने के लिए गए, जब उस बूढ़ी अम्मा के पास गए जिनका नाम लक्ष्मी था, उनसे उन्होंने गुटखा मांगा तो उसने गुटखा दे दिया, लेकिन पूर्व के 250 रुपये बकाए थे उसके, उसी बात को लेकर उसने उसको ओढ़वा दिया, तो तुमने पैसे नहीं दिए और तुम फिर आगे लेने के लिए, तो उसने वो तो दे तो दिया एक बार, लेकिन वो दोनों लड़के जो बाहर की तरफ जाके फिर विचार किया और उनके मन में जो गलत बात पनपी कि उसके पास पैसे दिखे थे उनको, ध्यान है कि ये सामग्री छोटी मोटी बेचती, पैसे रखती है, और शराब के नशे में थे, तो उन्होंने वापस एक गुटखा और मांगा, और उस गुटखे के बहाने जब बुढ़िया अपने सामग्री के पास जाके गुटखा ले रही थी, तो दूसरे ने, इसका नाम प्रवीण उर्फ पब्बा राम है, बगदा राम का लड़का है वो, और उसने जो मूसल की ओखली होती है उस ओखली से उसके सिर पे चोट दे मारी, वो वहीं घायल हो गई थी, फिर उसने दो चोट और मारी, और उसके बाद में वहाँ से उसने उसके जो पैसे पड़े थे डिब्बे में वो कुछ पैसे लेके और दोनों वहाँ से फरार हो लिए। उन्होंने उसके पहले उसी का जो दरवाज़ा है और उसी का जो ताला था उसी को लगा के बंद करके निकल लिए। अगले दिन सुबह जब गेट बंद देखा लोगों ने, तो कुछ सामग्री लेने गए होंगे, गेट बंद देखा, सबको लगा शायद कहीं आसपास होगी, लेकिन तलाश किया, शाम तक जब नहीं मिली तो उनके जवाई को फ़ोन किया, तो उन्होंने बना हमारे यहाँ नहीं आए, तो वो लोग तलाश करने यहाँ पे आए, जब उन्होंने आसपास देखा नहीं मिला, जो मालूम पड़ा चप्पल यहीं है तो कहाँ है, तो उन्होंने गेट के नीचे से टॉर्च डाल के देखा तो अंदर गिरी हुई थी और ब्लड हो रखा था पास में, तो उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, जिस पे SHO सवाई सिंह और हम साथ गए, टीम साथ ले गए थे पूरी, हमने नक्शा मौका देखा, कंडीशन देखी, ताला तोड़वा के जब अंदर बॉडी देखी तो ओखली भी पड़ी थी और ब्लड हो रखा था सब तरफ। इस आधार पर हमने टीम बना के और कार्रवाई शुरू करी थी, बॉडी को मोर्चरी में रखवाई, परिजनों के आने पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद में हमारी टीम को लगाया था इसमें, क्योंकि जो घटना हो रखी है उससे लगता है कि उस 40-50 घरों के अलावा बाहर से कोई आदमी आ नहीं सकता, क्योंकि साईं जी की बेरी से भी वापस वो करीबन 4-5 किलोमीटर अंदर है और कच्चा रास्ता है पूरा। उसी आधार पर हमने वहाँ पर मुखबिर लगाए थे, मुखबिर की सूचना पे कन्फर्मेशन हुआ कि इस तरह से हो सकते हैं, 2-3 संदिग्धों को भी पूछताछ करी, और जब इन लड़कों के बारे में जानकारी मिली थी तक प्रवीण पब्बाराम का नाम क्लियर हुआ, तो उसको जब हमने संदिग्धता से पूछना शुरू किया, तकनीकी तरह से पूछताछ की, तो आखिर उसने हम जुर्म कबूल किया, साथ में एक नाबालिग लड़का और था उसका भी बताया, तो उसको संरक्षण में लिया गया और प्रवीण को गिरफ्तार किया गया। इससे राजपुरा खुला, जिनसे उन्होंने जो पैसे लिए थे वो भी इन्होंने शराब पीने में और टेम्पो में घूमने में, इसमें उन्होंने उड़ा दिए, कुछ पैसे थे रिकवर किए गए। सर, आपके सुपरविजन में 3 पुलिस थानों की टीम का गठन किया गया था, उसके बाद में इस पूरी वारदात को आपके सुपरविजन में खोला गया, पर्दाफाश किया गया। एक बड़ी मुश्किल थी, चैलेंजेस था, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है, फिर भील समाज के लोग भी वहाँ बहुत सारे आए थे, आपके सामने मांग भी रख रहे थे कि हत्यारों को जल्द से जल्द आपके द्वारा पकड़ा जाए, उसमें आपने सफलता हासिल की है, क्या कहूँगी? इसमें ये एक थाने की जो टीम थी उसमें हमारे जो कांस्टेबल है और CI साहब है उनकी अच्छा पकड़ रही इलाके में, तो उससे मुखबिरी हमें जल्दी मिल पाई, क्योंकि जो जिस समय कंडीशन बन रही थी, लड़कों के पास मोबाइल भी नहीं हो सकते हैं या कुछ जो भी बदमाश है उनके पास मोबाइल नहीं हो तो क्या सूरत रहेगी, तो मुखबिरी तंत्र ने काम किया, उसी से हम थोड़ा आगे बढ़ पाए और इस लाइन मर्डर को हमने जल्दी खोल लिया। सर, रानीवाड़ा क्षेत्र की ऐसी पहली घटना हो गई कि 250 रुपये के लिए एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है, क्या कहूँगी सर? ये सही है कि खाली मात्र 250 रुपये के लिए और कुछ उसके कुछ पड़े पैसों के लिए इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन इसमें मुख्य जो है नशा की प्रवृत्ति है, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं है बच्चों की, 18-18.5 साल की उम्र है, और वो नशा करते हैं और नशे की जो सूरत है उसमें आकर ये कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि उनको खुद ध्यान नहीं होता हम क्या कर रहे हैं और कितनी बड़ी घटनाएं कर रहे हैं।
तो ये नशे की प्रवृत्ति है, अगर परिवार वाले चाहें तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, चाहे वो मजदूरी करे चाहे कोई भी करे, लेकिन कंट्रोल अगर होगा तो ये वारदात रुक सकती है। तो ये थे हमारे साथ में रानीवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र जी वर्मा, जिन्होंने कहा कि जो रानीवाड़ा खुर्द गांव की जो घटना हुई थी, बुजुर्ग महिला की जो हत्या हुई थी, उस हत्या की पूरी वारदात को खुलासा कर दिया है। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह मोट, रानीवाड़ा, जालौर।